हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार फ्रेंड्स आई स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक सेंसिबल कूलिंग सेंसिबल कूलिंग क्या होता है फ्रेंड्स इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं इन द साक्रोमेटिक चार्ट एंड इसकी वजह से क्या क्या चेंजेज आएंगे इन अदर पैरामीटर्स हम डिटेल में देखेंगे तो फ्रेंड्स आई स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक द कूलिंग ऑफ एयर विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज नोन एज सेंसीबल कूलिंग ओके इट मीन्स जो सेंस जो स्पेसिफिक हीट होगा ओमेगा वन इज कल टू ओमेगा टू यहाँ पर कोई चेंजेज नहीं आएगा इट विल भी कॉन्स्टेंट कूलिंग प्रोसेस लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सो इसको हम राइट टू लेफ्ट ड्रॉ करते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर कूल cool हो रहा है और अगर जब कूल cool होगा तो क्या होगा जो ड्राइवल टेम्परेचर है वह रिड्यूस होगा एंड द थर्ड पॉइंट इज़ दैट फ्रेंड्स इसमें नो कंडेंसेशन होता है नो कंडेंसेशन इट मीन्स जो भी वेपर प्रजेंट है इन द एयर वह कंडेंस नहीं होगा ओनली टेम्परेचर विल रिड्यूस ओके नाउ हम देखते हैं फ्रेंड्स सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस इसमें क्या होता है एक अरेंजमेंट होता है जिसमें कॉइल लगा होता है जो कूलिंग कॉइल का, का काम करता है एयर को कूल cool करने का काम करता है एट पॉइंट नंबर वन क्या होगा फ्रेंड्स हॉट एयर इंटर करेगा जो इस क्वाइल के सरफेस से पास होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगा और एयर कूल cool होगा लाइक like मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आउटसाइड एयर जो है जो थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड पर इंटर करता है और क्वाइल टेम्परेचर टेन डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो आउटलेट टेम्परेचर कितना होगा सिंस टेम्परेचर ऑफ़ द क्वाइल सरफेस इज़ वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द इनलेट एयर तो यह हीट को एब्जर्व कर लेगा और ओनली कूल एयर विल गो आउटसाइड तो आउटसाइड एयर का टेम्परेचर कितना होगा लाइक अप्रॉक्स फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड ओके तो यहाँ पर क्लियर हुआ आपको कि कैसे यह कूल करेगा हॉट एयर इन करेगा कूलिंग क्वाल सर्फेस से पास करेगा और वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगा और जो आउटर टेम्परेचर होगा उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा इट मीन्स टेम्परेचर एट टी टू इज लेस देन टेम्परेचर एट टी वन बट इस दौरान क्या होता है फ्रेंड्स कोई कंडेंसेसन नहीं हो रहा है ओके okay? क्या होता है जनरली कि टेम्परेचर कम होता है तो एट सर्टेन पॉइंट सेचुएटेड कंडीशन वह कूल होना स्टार्ट हो जाता है मींस कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है लाइक दिस इज़ द पॉइंट नंबर वन दिस इज़ पॉइंट नंबर टू अगर यह पॉइंट नंबर थ्री पर रीच कर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा सेचुरेसन लाइन पर अगर आ जाएगा तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा बट हम लोग अभी पॉइंट नंबर टू पर हैं सो देर इज़ नो कंडेंसेशन सो हियर टेम्परेचर इज टी वन टेम्परेचर इज टी टू ओके सो क्या हो रहा है फ्रेंड्स इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड हीयर दिस स्पेसिफिक ह्यूमिटी इज कॉन्स्टेंट एट दिस पॉइंट स्पेसिफिक ह्यूमिटी इज ओमेगा थ्री एट दिस पॉइंट ओमेगा वन एंड दिस पॉइंट ओमेगा टू सो इन दिस डायरेक्शन क्या होगा स्पेसिफिक ह्यूमिटी इंक्रीज करेगा एंड इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा ओके बट एट दॉरिजेंटल लाइन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज कॉन्स्टेंट नाउ हम इस प्रोसेस को एक रियल साइक्रोमेट्रिक चार्ट में ड्रॉ करते हैं और एनालाइज करते हैं कि अदर पैरामीटर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा ओके सो दिस इज द प्रोसेस क्या होगा फ्रेंड्स दिस इज पॉइंट नंबर वन दिस इज पॉइंट नंबर टू ओके दिस इज देंसीबल कूलिंग प्रोसेस ओके सो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स दिस इज द पॉइंट नंबर वन ड्राइवल टेम्परेचर एंड दिस इज द एट द एंड ऑफ द कूलिंग ड्राइवल टेम्परेचर तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस प्रोसेस में क्या हुआ है जो डाइवल टेम्परेचर यहाँ पर है और जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर है वह क्या है फ्रेंड्स ये अप्रॉक्स फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड है एट द इनलेट एंड आउटलेट अप्रॉक्स थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड है सो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है ओके okay? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ सेंसिबल कूलिंग के दौरान जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वह क्या होगा वह डिक्रीज होगा रिड्यूस होगा ओके सेंसिबल जो स्पेसिफिक हीट है हमने बताया अभी कि जो स्पेसिफिक हीट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा इट विल बी कांस्टेंट रहेगा थर्ड क्या हो सकता है फ्रेंड्स जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा सो हियर यू सी दिस लाइन शोज रिलेटिव ह्यूमिडिटी हियर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हंड्रेड परसेंट एट दिस पॉइंट इट विल बी एटी परसेंट ओके एट दिस लाइन रिलेटिव ह्यूमिटी इज सिक्सटी परसेंट हियर दिस लाइन इक्वल टू फोर्टी परसेंट तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स एट इनलेट पॉइंट स्पेसिफिक ह्यूमिटी इज फोर्टी परसेंट एंड एट आउट आउटलेट पॉइंट एट पॉइंट नंबर टू इट विल बी अप्रॉक्स सिक्सटी परसेंट सॉरी एटी परसेंट ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है जो रिलेटिव ह्युमिडिटी है वह इंक्रीज हो रहा है ओके फ्रॉम फोर्टी टू अप्रोक्स एट्टी परसेंट इंक्रीज हुआ ओके नाउ पॉइंट नंबर फोर सेंसिबल कूलिंग से जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा ओके सो क्या होता है फ्रेंड्स सी हियर दिस इज दिस लाइन शोज डब्लू बी टी लाइन वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन एंड आल्सो कॉन्स्टेंट एंड लाइन जो कांस्टेंट एंथलपी लाइन होता है और वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होता है वह दोनों कौन होता है ओके सो यहाँ पर यह क्या है यह जो है डब्ल्यू बी टी लाइन है या कांस्टेंट एंथालपी लाइन है ओके सो दिस लाइन आर डब्लू बी टी लाइन इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंथलपी लाइन तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो यह लाइन है यहाँ पर एंथाल्पी या वेट बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ पर क्या होगा एंथाल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर कम होगा करेक्ट सी हीयर यहाँ पर क्या है अप्रॉक्स 22 टू डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर अप्रॉक्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जा रहा है या 28 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ओके सो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा फ्रेंड्स इन दिस केस सेंसिबल कूलिंग के दौरान क्या होगा जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वह रिड्यूस होगा हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंसिबल कूलिंग की बात कर रहे हैं कि जो भी सेंसिबल कूलिंग में क्या क्या चेंजेस आएगा हम उस प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज कर रहे हैं ओके फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स जो एंथल्पी है वह भी क्या होगा रिड्यूस होगा ओके इट विल ऑल्सो बी रिड्यूस, बिकॉज जो वेट वाल टेम्परेचर एंड एन एंथेल्पी दोनों जो कॉन्साइड होते हैं दोनों एक ही पाथ को फॉलो करते हैं और यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि एट पॉइंट नंबर वन पर अप्रॉक्स नाइन्टी परसेंट जो नाइन्टी है वो एंथेलपी है एंड पॉइंट नंबर टू पर क्या है सेवेंटी एंथेल्पी है ओके okay? तो एंथेलपी क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है सो so, फ्रेंड्स ये पैरामीटर एनालाइज करना जरूरी है जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वह क्लियर हो सके कि जो सेंसिबल कूलिंग होता है उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आता है अगर यह कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप इजीली जो है साइक्रोमेटिक चार्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में हमें क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इन द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सैक्रोमेट्रिक ओके फ्रेंड्स तो होप आपको क्लियर हुआ होगा फिर भी कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक like कीजिए कमेंट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स थैंक यू